हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि जी नीट में किस तरीके से क्वेश्चन अपीयर होते हैं या फिर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं। द क्वेश्चन फर्स्ट इज, इन ए पार्टिकुलर सिस्टम The unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equivalent to. तो हमसे बोला गया है, अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लें जिस किसे बोल रहा है, मास को बोल रहा है 10 ग्राम, किसे 10 सेंटीमीटर, एंड टाइम को कितना लेना है 0.1 सेकंड रेस्ट टू माइनस 2। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो एम केस में आ रहा है, क्योंकि न्यूटन किसका होता है, एम केस में ही यूनिट होता है फोर्स का, और सीजीएस में तो डाइन होता है। तो इसलिए ये सभी क्या है, सीजीएस सिस्टम में चल रहा है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो हम इसको एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ग्राम को जब किलोग्राम में लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। ऐसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। एंड अब देख रहे हैं यहाँ पे 0.1 सेकेंड है, तो 0.1 का मतलब होता है 10 रेज टू माइनस 1, यानी कि 10 का पावर माइनस 1 होता है, और इसका पावर माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर प्लस 2 एंड सेकेंड रेज टू माइनस 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 10 का पावर ये 1 है, 10 टू द पावर 1 और ये माइनस 3 है, तो कितना हो जाएगा इधर 10 रेज टू माइनस 2 केजी, एंड इधर 10 का पावर 1 है और इधर 10 का पावर क्या है, माइनस 2, तो क्या बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। एंड और इधर ये क्या हो जाएगा, इनटू 10 रेज टू 2 सेकंड माइनस 2, तो सभी पावर्स को ऐड करेंगे, माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3, एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो 10 रेज टू माइनस 1 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज टू माइनस 2, तो 10 रेज टू माइनस 1 इसका मतलब 1/10, तो 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज टू माइनस 2, तो 0.1 अभी जो देख रहे हैं हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है, और इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, न्यूटन। तो इसका मतलब ये है, अगर हम लेंथ को 10 सेंटीमीटर की तरह और मास को 10 ग्राम एंड टाइम को 0.1 सेकंड की तरह ट्रीट करें, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, 0.1 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फोर्स एफ, एक्सीलरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो हमको पता है एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। तो ये जो मास एम दिख रहा है हमको, मास, लेंथ और टाइम, ये क्या है, एक तरीके से ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हमसे पूछा गया है, अगर हम एनर्जी का डायमेंशन फोर्स एफ, एक्सीलरेशन ए एंड टाइम टी के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। तो हम ऐसे इसको अज्यूम कर लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ए होगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, बी, एंड टाइम का डायमेंशन क्या होगा, सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, अगर हम यहाँ से ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम उस वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म्स में एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा। तो हमको पता है क्या है, एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और इधर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 रेज टू पावर, इसका पावर क्या है, ए, एंड एक्सीलरेशन एल टी माइनस 2 होता है, इसका पावर क्या है, बी, एंड टाइम टी टाइम ही होता है, सी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू, आप क्या देख रहे हैं, एम का पावर ए और
और इधर m कहीं है नहीं तो इतना ही रहेगा, एंड l टू द पावर a, और इधर l का पावर क्या है b, तो क्या होगा a प्लस बी, एंड t टू द पावर माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी। ये सभी टर्म्स को m का एक साथ लिख दिया, l का एक साथ और t का एक साथ लिख दिया। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड m, l और t की पावर्स का हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे। तो इधर a का वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल टू, इधर m का पावर कितना है 1, और इधर कितना है m का पावर a, तो a इज इक्वल टू क्या आया 1। ऐसे ही l के पावर्स का कंपेरिजन करते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 2। a का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू कितना आया 2 माइनस 1 बनाया। अब थर्ड इसका करते हैं, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है माइनस टू है। जब इसका कंपेरिजन करेंगे तो आपको पता है ए का वैल्यू बना गया और बी का भी बना गया, तो माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू होगा, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हुआ, माइनस फोर हो जाएगा प्लस फोर, फोर माइनस टू टू हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आया 2। तो हमारे पास ये जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन एफ ए और टी के टर्म्स में कैसे आ जाएगा, ई इज इक्वल टू फोर्स, एफ ए का वैल्यू कितना है तो 1, एंड एक्सीलेशन ए, एक्स बी का वैल्यू कितना है ये भी बनाया है, एंड टाइम टी रेज टू सी का वैल्यू कितना आया है 2। तो हम देख रहे हैं अगर हम एनर्जी को फोर्स एफ, एक्सीलेशन ए और टाइम टी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह राइट करना चाहे ऐसे, तो कितना आएगा इसका डायमेंशन एफ ए टी 2। तो देखते हैं कहाँ इसमें एफ ए टी 2, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, देन ई अपॉन जी हैज द डायमेंशंस ऑफ, तो एनर्जी ई और ग्रेविटेशनल जी, हमको पता है इनका डायमेंशन क्या होता है, इनका डायमेंशन निकालने के बाद हम लोग इस रेशियो में पुट कर देंगे और उसको इसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, होता है एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू। तो ये तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होता है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। अगर हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, कोई दो बॉडी ले लेंगे आप लोग जिसका मास क्या है एम वन एंड एम टू, तो इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब जी का डायमेंशन निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू करेंगे तो हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगा। अब हम इनको इसका रेशो निकालते हैं, ई अपॉन जी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू। तो आप देखिए m का पावर 1 है और इधर m का पावर माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा m का पावर 2, क्योंकि माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस का, l का पावर 2 l का पावर 3 है, तो 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा l टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस का होगा। अब t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, क्या होगा t का पावर 0। तो ये जो रेशो कितना आ गया हमारे पास m 2 l माइनस 1 एंड t 0, तो इसमें मुझे जो फर्स्ट दिख रहा है m 2 l माइनस 1 टी जीरो, एंड सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, तो हमसे पूछा गया स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, तो हमको पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है स्ट्रेस होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एम एल टू ऊपर जाएगा एल माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वन ऊपर प्लस का ऑलरेडी है, ये ऊपर जाके माइनस टू होगा, तो वन माइनस टू माइनस वन एंड टी माइनस
टू. तो हमारे पास जो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. तो इसमें भी जो ऑप्शन ए दिख रहा है यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा. क्या है, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू. अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमको ई, वी एंड टी के टर्म्स में लिखना है. तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन अभी जस्ट पहले किया है. तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन क्या होता है. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स का देखते हैं हमारे पास क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू. लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल. तो एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो जनरली क्या हो जाएगा, एम एल जीरो टी माइनस टू. तो हमारे पास ये किसका डायमेंशन आ गया, सरफेस टेंशन का आ गया है. तो अब हम इसका डायमेंशन ई, वी एंड टी के टर्म्स में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एंड वी रेज टू पावर बी एंड टी रेज टू पावर सी. तो सरफेस टेंशन का तो हमने भी डायमेंशन निकाल लिया, क्या है, एम एल जीरो एंड टी माइनस टू इज इक्वल टू. अब ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. एंड ये क्या है, वेलोसिटी. वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन रेज टू बी. इनका पावर भी लिखा जाएगा, इसका पावर ए है. और टाइम तो टाइम होता है सी. तो अगर हम यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लें और उस वैल्यू को यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो हमारे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन ई बी एंड टी के टर्म्स में आ जाएगा, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह होंगे. तो कैसे करेंगे इसको, एम एल जीरो टी माइनस टू इज इक्वल टू. तो एम का पावर कितना, ए, और इधर एम कहीं नहीं, तो सीधे सीधे कहेगा एम टू द पावर ए. एल टू द पावर ये कितना होगा, टू ए, और इधर एल का पावर कितना, बी. तो टू ए प्लस बी, और इधर टी का पावर कितना, माइनस टू ए, और इधर कितना, माइनस वन. तो माइनस बी प्लस सी. अब हम इसके दोनों साइड की पावर्स का कंपैरिजन कर देते हैं. तो इधर m का पावर कितना, a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, क्योंकि इधर m का पावर 1 है. इधर देखो l का पावर कितना है, 2a प्लस b. 2a प्लस b इज इक्वल टू, इधर l का पावर कितना है, 0, तो 0 हो गया. तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b. तो a का वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, a का वैल्यू कितना आया था, 1. तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस बी. तो बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू बी. तो बी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया है. अब उसके बाद हम देखते हैं इसका माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, थर्ड वाले का कंपेयर करते हैं. माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, इधर माइनस 2. तो a का वैल्यू कितना आया था, 1, तो कितना होगा, माइनस 2. और b का वैल्यू कितना है, माइनस 2. तो माइनस 2 और ये एक माइनस है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हुआ, तो सी का डायमेंशन कितना है, सी का वैल्यू कितना है, माइनस 2. तो हम देख रहे हैं ए का वैल्यू 1 आया, बी का माइनस 2 और सी का माइनस 2. तो अब हम अगर सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैसे लिखें, ई वी एंड टी के टर्म्स में लिखें, तो कैसे आएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन, कैसे आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए, ए का वैल्यू कितना है, तो 1, एंड बी वेलोसिटी, बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2, एंड टी टाइम का वैल्यू कितना है, माइनस 2. तो ये जो फाइनली हम देख रहे हैं, ई 1 वी माइनस 2 एंड टी माइनस 2. तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन है इसका ई वी एंड टी के टर्म्स में क्या गया डायमेंशन, ई 1 वी माइनस 2 एंड टी माइनस 2 आ गया है. तो देखते हैं इसमें कौन सा है, ई 1 v माइनस 2 एंड t माइनस 2. तो e 1 v माइनस 2 एंड t माइनस 2 जो इसका थर्ड ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स a, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ मास r. तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, तो सीधा ले लेते हैं इसको. डायमेंशन मास को किसके टर्म्स में दिखाना है, हम फोर्स इसका मान लेते हैं a, वेलोसिटी b, एंड टाइम टी को क्या मान लेते हैं, सी.
तो हम जब इसको मास के टर्म्स में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एल टी माइनस टू रेस टू ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन बी एंड टाइम टी रेस टू सी। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ए बी सी का वैल्यू निकालना है और इसी में पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स का एफ बी एन टी के टर्म्स में डायमेंशन क्या होता है। तो मास एम इज इक्वल टू, इसको राइट करेंगे एम रेस टू ए, इधर मास कहीं है नहीं तो एल रेस टू ए, और इधर क्या है प्लस बी, तो ए प्लस बी एन टाइम माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। अब इसका कंपेयरिंग करेंगे हम लोग दोनों साइड का, तो ए इज इक्वल टू क्या है वन, एन लेंथ का इधर कुछ नहीं जीरो है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए का पहली बना गया वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू क्या है माइनस वन। एंड टाइम टी का क्या देख रहे हैं माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया माइनस यानी कि वन, तो माइनस टू बी का भी, बी का माइनस वन आया तो कितना हो जाएगा प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो सी इज इक्वल टू कितना आ गया वन, तो ए का वैल्यू वन बी का माइनस वन एंड सी का वन आ गया। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा एफ रेस टू ए का वैल्यू क्या है वन एंड वेलोसिटी बी रेस टू बी का वैल्यू कितना है माइनस वन एंड थर्ड क्या है टाइम टी रेस टू वन, तो एफ वन बी माइनस वन टी वन, तो एफ वन वी माइनस वन टी वन, तो जनरली हम कौन सा दिख रहा है इसमें डी दिख रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कितना एफ वन वी माइनस वन टी वन। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर, हमको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखना है कि क्या होता है। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, हमको पता है एक कांस्टेंट होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यू से हम लोग म्यू नॉट एप्सिलॉन निकालें तो कैसे निकलेगा, तो इसको हमको पलटना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फोर पाई अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू टेन टू द पावर प्लस सेवन हो जाएगा, क्योंकि फोर पाई को ऊपर ले जाएंगे इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये फिर से नीचे हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लें सेकेंड, तो हम अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर पाई अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इंटू टेन टू द पावर सेवन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा इधर वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नाइन टेन टू द पावर नाइन और सेवन कितना हो गया नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन और सेवन कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा। तो हमको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना था, तो हम उसको कैसे राइट कर सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन इंटू टेन टू द पावर सिक्सटीन, क्योंकि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन, इसको कैसे राइट कर सकते हैं हम लोग थ्री इंटू टेन टू द पावर एट द स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जब थ्री का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो नाइन आ जाएगा, टेन टू द पावर एट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये सिक्सटीन आ जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन, अब थ्री इंटू टेन टू द पावर एट ये क्या होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट को किस में हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग एल टी माइनस वन का स्क्वायर और इक्वल वन अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर करेंगे तो इसका एल स्क्वायर टी माइनस टू, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एल माइनस टू एंड टी प्लस टू, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका एल माइनस टू टी टू, जो इसका डी ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कितना एल माइनस टू टी
टू। ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई एम टू द पावर ए एल बी टी सी देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो हमसे पूछा गया है इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ऐसे दिया जा रहा है ए बी एम का पावर ए एल का पावर बी एंड टी का पावर सी। तो हमको बताना है अगर हम जैसे ए का पावर वन पुट करें बी का जीरो करें सी का माइनस वन करें तो क्या वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसको अलग अलग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट में वेलोसिटी के लिए क्या कह रहा है एम का पावर वन पुट करना है एल का पावर जीरो एंड टी का पावर माइनस वन। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो नहीं बनना है क्योंकि वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो इनकरेक्ट है ये ठीक नहीं है। अब सेकंड देखो एक्सीलेशन के लिए बोला और एक्सीलेशन के लिए हमको पता है क्या होता है डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है। अब यहाँ पे देखो जब पुट करेंगे ए का वैल्यू कितना पुट करना है वन एल का वैल्यू वन एंड टी का वैल्यू माइनस टू। तो ये एक्सीलेशन बनी नहीं रहा है तो इसलिए ये भी सही नहीं है। थर्ड में देखो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू। तो अगर हम इसमें m का पावर जीरो पुट करें l का पावर b, b कितना है माइनस वन एंड t टू द पावर माइनस टू। तो हम देख रहे हैं ये फोर्स का यूनिट नहीं है तो इसलिए थर्ड भी सही नहीं है। तो फोर्थ देखते हैं क्या है प्रेशर। तो m रेस टू वन एंड l रेस टू माइनस वन और t रेस टू माइनस टू। तो ये बन रहा है ये जनरली किसका है प्रेशर और ये प्रेशर का होता है तो इसलिए ये वाला जो डायमेंशन है था फोर्थ ये ठीक हो जाएगा क्योंकि हमको पता है प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और हमको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया को कैसे लेते हैं एल स्क्वायर। जब इसको देखेंगे तो क्या होगा एम इधर एल वन है एल स्क्वायर तो क्या होगा एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। तो क्या आ गया एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आर। तो देखो ये पीछे हमने यूज किया था इसको तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होता है ये इसमें पूछा गया है। तो हमको पता है कि नहीं दो बॉडीज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है कोई दो बॉडीज है जिसका मास एम वन एंड एम टू है तो इसके बीच में और ये कितने डिस्टेंस पर है ये कोई आर डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको ये जो G दिख रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसके डायमेंशन निकालना है तो G इज इक्वल टू क्या होगा F आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। सो G इज इक्वल टू फोर्स का तो हमको पता है क्या होता है एम एल टी माइनस टू एंड r डिस्टेंस है तो इसका क्या हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं ऊपर मास का वन है और नीचे के m टू ऊपर जाएगा माइनस वन रह जाएगा एक m माइनस वन l वन l टू तो क्या होगा l क्यूब t माइनस टू। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है उसका डायमेंशन क्या आ गया m माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो इसका सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको देखना है तो हमको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी ए हमें बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड एंड ए क्या है एरिया। तो हमको एरिया का तो पता है एल स्क्वायर होता है बट मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालेंगे हम लोग। हमको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता तो बी का डायमेंशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ से एफ अपॉन क्यू बी बी का फॉर्मूला ही हो गया। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज है क्यू इज इक्वल टू आई टी तो ए टी हो जाएगा एंड वेलोसिटी एल टी माइनस वन हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एम एल और एल सी एल तो कैंसिल आउट हो गए तो एल जीरो हुआ टी माइनस टू और इधर देखेंगे टी कितना है ये प्लस वन ये माइनस वन तो कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर टी माइनस टू ही रह जाएगा और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन हो जाएगा ए माइनस वन हो गया। तो हमारे पास जो बी है बी का डायमेंशन तो निकल गया ए का भी पता हमको तो हमें यहाँ से फ्लक्स का आसानी से निकाल लेंगे। तो बी का क्या है एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन और लेंथ का क्या होता है एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस वन एम एल टू टी माइनस टू
ए माइनस वन, तो इसका कौन सा दिख रहा है हमको, सी थर्ड एम एल टू टी माइनस टू, नहीं सेकंड है, थर्ड नहीं सेकंड है एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस वन। तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।